बिल्कुल इसी वीडियो को देखकर तुम इस पूरे मतलब चैप्टर को अच्छे से समझ लोगे और अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो भी ये वीडियो आप जरूर देखना और अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है फिर तो आप देख ही लो हम लोग पूरा एनालिसिस एनालिसिस करके कि कहा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने पूछे जाते हैं कम पूछे जाते हैं लेकिन क्वेश्चन आते हैं कभी कभी चार चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो दिसंबर का एग्जाम है इस बार चार नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना है और वो चार नंबर के क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन बहुत आसान होगा ठीक है ना तो इसलिए ये वीडियो आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अ वेरी वेरी गुड गुड इवनिंग इवनिंग टू टू कामू जानवी अरवी जितेंद्र और कुंदू जी हेमंत कुमार वेरी वेरी गुड इवनिंग वो प्लीज क्या कहते हैं होमवर्क तुमको पीडीएफ मिली हुई है डाउट ग्रुप में वहां पर जाकर खुद करो जाके ठीक है ना बिल्कुल सिंपल था कुंदू जी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो कराने की जरूरत है आई थिंक ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना स्टार्ट करते हैं क्लास को, का, वो क्या था ये आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से रिलेटेड देखो चार नंबर का क्वेश्चन आया था जून दो में दो नंबर का क्वेश्चन आया था आ, कब आपका अच्छा लास्ट वाले में लिखा नहीं हुआ है वरना लास्ट वाले में भी एक दो तीन चार हाँ लास्ट वाले में लिखा नहीं है दिसंबर 2019 में वरना उसमें भी हो सकता आया हुआ होगा तो कभी चार नंबर का आ जाता है कभी दो नंबर का आता है कभी कभी नहीं आता है क्वेश्चन लेकिन नहीं आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस चैप्टर को छोड़ दें क्योंकि चार नंबर का क्वेश्चन आएगा आसान सा क्वेश्चन आएगा तो आना चाहिए ना मतलब ऐसा ना हो कि सिंपल क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे केमिकल केमिकल साइंस साइंस के 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 एग्जाम एग्जाम को को नेट क्रैक करने के लिए आप ध्यान रखिए कि जो आसान टॉपिक्स हैं वो आपको नहीं छोड़ने हैं जिनसे सीधे सीधे आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं वो आपको नहीं छोड़ने हैं ठीक है ना गुड इवनिंग राजू सलमान ऑल अबाउट साइंस वैष्णवी और शुभम हाँ बता देंगे सारे क्वेश्चन करेंगे चिंता मत करो ठीक है ना गुड इवनिंग तो आप लोग जुड़ते जाइए भाई वीडियो शेयर करते चलिए इससे पहले मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ मेटके के ऑनलाइन कोर्सेज की अगर आप सी एस आई आर नेट केमिकल साइंस आई आई टी जैम केमिस्ट्री या फिर गेट केमिस्ट्री देखो ये वीडियो जैम और गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई ठीक है ना जैम और गेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना बिल्कुल इसके लिए दो तो कौन थोड़ी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है जैम और गेट के लिए यहाँ तो चार नंबर का कभी कभी आता है यहां हर बार आता है ठीक है ना यहाँ दो से चार नंबर यहां आते हैं दो से चार नंबर यहां पर भी आते हैं तो अगर आप सीएसआई नेट केमिकल साइंस आई टी जैम केमिस्ट्री गेट केमिस्ट्री की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो मेट के क्लासेस अपने ऐप के थ्रू ये ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोज वीकेंड लाइव क्लासेस के साथ साथ ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं इस समय अभी और इसके अलावा अगर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो सी एस आई एन केमिकल साइंस में जेआरएफ में ऑल इंडिया रैंक वन थ्री सिक्स नाइन और दो हजार से ज्यादा सिलेक्शन टोटल मेटकेम क्लासेस दे चुका है आपकी जैम और गेट केमिस्ट्री में भी इसी तरीके से रिजल्ट मैटकेम लग क्लासेस लगातार देता रहता है इस समय जो करंटली ओपन बैचेस है मैटकेम क्लासेस के वो जून ट्वेंटी का बैच ओपन है आर बैच आर बैच गेट केमिस्ट्री ट्वेंटी का ओपन है और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ओपन है ये हर बार जून ट्वेंटी फोर की लग जाती है दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए ठीक है ना दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ओपन है अब एक बार क्या करता हूं कि कि मैं तुमको पूरे एमओटी का एक बार ओवरव्यू दे देता हूं क्वेश्चन कहां से आते हैं कितने आते हैं कैसे आते हैं क्या क्या पढ़ना है और सब मैं अभी तुमको पढ़ा भी दूंगा सारे क्वेश्चंस भी करा दूंगा ठीक है तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी काफी लोगों को समस्या रहती है कि भाई मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है सही से या पढ़ने में मुझे थोड़ा सा टफ लगता है डर लगता है नहीं समझ में आता है तो बस ये वीडियो देख लो देखो ठीक है ना एक तो आपके डाइटोमिक डाइटिक जिसमें दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरे होते हैं आपके कौन से पॉलि एटोमिक दूसरे कौन से होते हैं पॉली एटोमिक पॉली एटोमिक एमोडाइग्राम्स या फिर उनसे बेस्ड क्वेश्चन ठीक है पॉली एटोमिक डाईटमिक में से भी आपके दो टाइप के होते हैं एक तो होमोन्यूक्लियर होमो न्यूक्लियर होमो न्यूक्लियर ठीक है और दूसरे क्या होते हैं आपके बेटा हेट्रोन्यूक्लियर मतलब जिसमें दो एटम सेम हो होमोन्यूक्लियर का मतलब हो गया कि सेम एटम्स प्रेजेंट हो जैसे H2 टू हो गया एन टू हो गया सी टू हो गया बी टू हो गया इस टाइप का ठीक है H2 टू हो गया सी टू हो गया बी हो गया N2 हो गया टू हो गया या फिर इन्हीं के और हो, गया। दूसरे हो, दूसरा हो दूसरे हाइड्रोन्यूक्लियर में क्या एक सकता है इसमें डाइटोमिकोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए या फिर आपका ओ एच माइनस आ गया ठीक है ना इससे क्वेश्चन आपका जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में आया था एच OH माइनस के, के बारे में पूछे थे पॉलीएटॉमिक में आपके देखो पॉलीएटॉमिक में क्या हो गया कि ट्राइगोनल प्लेनर कोई स्ट्रक्चर है एस एफ सिक्स इस टाइप के पोलियोटॉमिक बस इतना तुमको आइडिया ले लेना है सबके मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम का आपको आइडिया होना चाहिए वो मैं भी आपको फटाफट देता हूं और उससे पहले आप लोग क्या करो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है ना वन ईयर का कोर्स अगर आपको लेना है सलमान तो आप बस कुछ ही दिनों का इंतजार करिए विद इन फ्यू डेज नए बैचेस आने वाले हैं तो उनका अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट करेंगे वहां पर वन ईयर प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा बाकी सबको भाई जय श्री राम प्रतीक जी निशा प्रिया और रहस अंजलि दीपक अ वेरी वेरी गुड इवनिंग और शुभ कांता वेरी गुड इवनिंग ठीक है तो चले आगे बढ़ते हैं अब मैं क्या करता हूं वन बाई वन आपको सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे इसमें एक, 2014 2014 इस एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था किससे एस एफ सिक्स से रिलेटेड वो भी तुमसे पूछा नहीं था कुछ उसने इसका एमोडाइग्राम बनाकर दे दिया था बनाकर आपको एमोडाग्राम दे दिया था पूछा था बताओ इन चारों में से कौन सा तो ना? थ्योरी नामक चैप्टर का यूज करना पड़ता है ग्रुप थ्योरी चैप्टर का क्या करना पड़ता है यूज करना पड़ता है ये जितनी भी बातें सारी बातें बता रहा हूं इक्वली इंपॉर्टेंट है जैम नेट गेट के लिए ठीक है सबके लिए सब कुछ सेम हो रहता है बिल्कुल ठीक है तो ग्रुप थ्योरी का यूज करना पड़ता है तो ग्रुप थ्योरी को यूज करने के साथ-साथ मतलब इसको यूज करने के साथ-साथ डायग्राम बनता है तभी अच्छे से डायग्राम बनाना आएगा आपको तो इसलिए यहां पर इनके क्वेश्चंस आपसे ऐसे नहीं पूछे जाते हैं कि बिल्कुल सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पूरा डायग्राम बनाओ सब कुछ बनाओ नहीं उसे बस इतना पता प, पता करना होता है आपसे कि क्या आपको इनके डायग्राम्स के बारे में थोड़ा बहुत आईडिया है कि नहीं दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इनमें आपको पता है सबसे पहले हम लोग होमोन्यूक्लियर की बात करेंगे उसके बाद हेट्रोन्यूक्लियर की बात करेंगे होमोन्यूक्लियर में क्या होता है आपको पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरोन बोरॉन कार्बन की तरफ हम लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं तो इनके टू और टूपी ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है भाई गैप बढ़ता है गैप लगातार क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इनके बीच का गैप बढ़ने लगता है क्योंकि एस ऑर्बिटल सिमेट्रिक होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ एस ऑर्बिटल ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ खिंचते हैं और पी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होने की वजह से या फिर अनसिमेट्रिकल छोड़ो मतलब उतने सिमेट्रिक नहीं होते हैं जितना सिमेट्रिक आपका पी ऑर्बिटल होता है तो न्यूक्लियस की तरफ एस ऑर्बिटल ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं पी ऑर्बिटल कम अट्रैक्ट होते हैं इनकी वजह से एस और पी के बीच में गैप बढ़ जाता है जिसकी वजह से मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ होमोन्यूक्लियर न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में एक थोड़ा सा चेंज आता है जो कि आपके सामने ये कुछ ऐसा बना हुआ है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ योर सी एस आई आर केमिकल साइंस गेट केमिस्ट्री या जैम केमिस्ट्री किसी की भी बात करें सबके लिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से रिलेटेड बाकी जो लोग भी यहां पर नए जुड़ रहे हैं आप लोग आकर जुड़ते रहिए जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं सुनते रहिए क्लास के एंड में और बीच बीच में मैं आपके क्वेश्चन आंसर लगातार करता रहूंगा ठीक है उससे पहले जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जल्दी से जल्दी कर लेते हैं क्योंकि टाइम अपने पास कम है चालीस दिन से भी कम समय का टाइम अपने पास बचा हुआ है तो एमओ डायग्राम्स का ये भाई ओवरऑल

एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल ऐसे ऐसे बनाते हो ना वो सेम जगह बनाने होते हैं आपको कि जैसे ये बनस यहाँ रखोगे एक का दूसरे का बनस यहां रखोगे एक का टूएस यहाँ रखोगे एक का 2S यहां पर रखोगे इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना होता है इंटरेक्शन होता है एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है और एक एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा स्टार बॉन्ड इस तरीके से यहां पर कहानी चलती है ठीक है तो यहां पर इस जगह पर क्या होता है जैसे ये मैंटू से सीटू की तरफ आते हैं तो इनके टूएस और टूपी के बीच में गैप बढ़ जाने की वजह से क्या होता है जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है और ये डायग्राम आपको आपके सामने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मली देखो डायग्राम आपका ऐसे बनना चाहिए नॉर्मल डायग्राम्स ऐसे होने चाहिए जैसे ये होता है लेकिन इधर वाले थोड़े उल्टे होते हैं यहाँ पर पाई ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सिग्मा ऑर्बिटल ये पाई ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा ऑर्बिटल ऐसा क्यों होता है इसका रीजन आपको वन शॉर्ट सीरीज जो कराई गई है जीरो टू तो हिरो प्लेलिस्ट में उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है सारे क्वेश्चन लगभग इसी से पूछे जाते हैं लेकिन यहां पर आप ध्यान से देख रहे होंगे और भी कुछ आपको दिख रहा होगा यहां पर देखिए सिग्मा सिग्मा यू यू स्टार जी, पाई पाई जी जी ये क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो यहां पर ये यह एक्चुअली क्या है ये सिमिट्री है मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स की सिमिट्री भी एक्सप्लेन करनी होती है मान लीजिए एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करेगा तो एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से या तो सेम फेज में इंटरेक्ट कर सकता है या तो अपोजिट फेज में इंटरेक्ट कर सकता है ठीक है अगर सेम फेज में इंटरेक्ट करता है तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा वेव्स में पढ़ा होगा इलेवन ट्वेल्थ में आपको याद होगा जहां पर एक्सप्लेन किया जाता है क्या उसे क्या बोलते हैं

तो जो जी और यू लिखकर आ रहा था ना वो क्यों होता है कमेंट करके बता देंगे बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे देखिए अलम ने बता दिया है जिराड, जिराड होता है शुभम ने भी बता दिया है जिराड, जिराड होता है गुड्डू जी पीजीटी की क्लासेस अगर पॉसिबल होगा तो जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएंगी ठीक है हम आपकी इस पॉइंट को लगातार कंसीडर कर रहे हैं जैसे ही फिजिबल होगा वी विल स्टार्ट इट ओके तो जिराड एन जिराट क्या होता है ये एक्चुअली सेंटर ऑफ सिमिट्री सेंटर ऑफ सिमिट्री से रिलेटेड टर्म होता है क्योंकि ये क्यों यूज किया जाता है क्योंकि ग्रुप थ्योरी जब पढ़ते हैं आप तो वहां पे समझाया जाता है कि सिमेट्री सेम होने पर ऑर्बिटल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और ना होने पर नहीं इंटरेक्ट करते हैं तो सिमेट्री को पता करने के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री की प्रेजेंस को बताने के लिए जी और यू लगाया जाता है अगर जी लिखा हुआ है इसका मतलब जिराड है इसका मतलब है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है अगर यू लिखा हुआ है इसका मतलब है एनजीराड है और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है आप में से सब लोग कमेंट करके बताइए कि पाई जी होगा मतलब जो सिग्मा होगा सिग्मा बॉन्डिंग में बताइए क्या आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है या नहीं दिख रही है कमेंट करके बताओ पूजा बताओ दीपक बताओ और अलमास बताओ अंजलि बताओ रहस बताओ प्रिया बताओ नेसा प्रतीक सब लोग पूरे 41 स्टूडेंट जितने लोग देख रहे हैं सब लोग कमेंट करके बताइए भाई सब लोग कमेंट करके बताइए कि यहां पर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है कि नहीं दिख रही है सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए सिंपल सा प्रोसेस होता है। उसके सबसे सेंटर पे चले जाओ और सेंटर पे एक डायरेक्शन में जाओ और बिल्कुल उसी के अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में जाओ अगर सेम डिस्टेंस जाने पर सेम एटमोसफियर प्रेजेंट हो

एक फेज है इसको पॉजिटिव फेज मान लेते हैं दूसरी साइड जाएंगे तो आपका जो सिग्मा होता है और यू होता है इसी तरीके से अगर आप पाई और, पाई ऑर्बिटल्स की बात करें तो पाई ऑर्बिटल कैसे बनते हैं नॉर्मली आपके दो पी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरक्ट करते हैं अगर वो सेम फेज में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा कुछ इस तरीके से ऊपर वाले सेम फेज में मिलकर एक बड़ा ऑर्बिटल बना लेंगे नीचे वाले सेम फेज में मिलकर एक बड़ा ऑर्बिटल बना लेंगे और इस तरीके से दोनों ऊपर से ये बनेगा आपका क्या पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल ठीक है और अगर यहीं पर अपोजिट फेज में इंटरक्ट करेंगे अपोजिट फेज में इंटरक्ट करेंगे यहां पर अपोजिट फेज में इस तरीके से तो क्या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहां पर इस तरीके से चार लोब्स बन जाएंगी ये दोनों आपस में नहीं जुड़ पाएंगे ना ही नीचे वाले दोनों आपस में जुड़ पाएंगे तो इस तरीके से छोटा सा यहाँ छोटा सा यहाँ छोटा सा यहाँ छोटा सा यहाँ इस तरीके से ये पॉजिटिव निगेटिव और यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव और इसके कंपैरिजन में ये वाले ऑर्बिटल छोटे ही हो जाते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है ना जिसकी वजह से थोड़े छोटे भी हो जाते हैं ठीक है बॉन्डिंग एरिया कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एरिया तो यहां पर सेंटर ऑफ सिमिट्री देखो यहां पर प्रेजेंट है इधर निगेटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव तो जो पाई स्टार होता है वो जिराड होता है और जो पाई बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है अनजिराड होता है बस इतना तुमको पता चल गया सारी कहानी तुमको पता चल गई ठीक है तो आपने पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला कंप्लीट कर लिया आपको ये सब कुछ पता चल गया अब आपको पता ही है कि पाई स्टार में जी लगाना है कि पाई में जी लगाना है कि सिग्मा में जी लगाना है कि सिग्मा स्टार में जी लगाना है इतनी बातें आपको क्लियरली समझ में आई ही गई हैं

कम होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के ऑर्बिटल्स एनर्जी में कम होते हैं एस कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स और फ्लोरीन के तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रोन फ्लोरीन तो पता ही है तुमको उसका कहानी तो तुमको पता ही है इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है कि भाई वो इनर्ट गैस से भी रिएक्ट कर लेती है सोचो आपके पास आएगी तो आपका क्या हाल करेगी तो वो उसका इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है कि उसके एस और उसके इवन टू पी ऑर्बिटल की एनर्जी हाइड्रोजन के वन एस ऑर्बिटल की एनर्जी से भी कम होती है वो भी क्या होती है उससे कम होती है ठीक है ना तो ये बात तुमको क्लियरली समझ में आ गई तो इसका मतलब कि अगर इसका वनेस कहीं यहां पर है तो इनके होंगे इससे भी नीचे होंगे और यहां पर होगा टू एस और यहां पर कहीं होगा ठीक है अब हेड्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल्स में हम लोग को एक बात ध्यान रखनी होती है जब भी दो ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिनकी वजह से वो इंटरेक्ट करेंगे या फिर इंटरेक्ट नहीं करेंगे पहला और दूसरा क्या होता है कमेंट करके तुम लोग बता दो पहला होता है मैं, volt, think, अगर मैं सही हूं, उससे होता है, तो वो दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं अगर एनर्जी गैप बिल्कुल सबसे कम है जीरो है तो सबसे परफेक्ट बॉन्डिंग होती है जैसा कि होमोन्यूक्लियर में होता था होमोन्यूक्लियर में बगल में दूसरा एच रख ऐसे तो उसके ऑर्बिटल और इसके वन ऑर्बिटल के बीच की एनर्जी बिल्कुल सेम है जब एनर्जी सेम है तो बढ़िया से रिएक्ट करेंगे बढ़िया से रिएक्ट करेंगे तो उसका जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल भी होगा और एंटी बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा अनस्टेबल भी होगा अगर दोनों के बीच का एनर्जी गैप थोड़ा सा कम है मतलब देखो एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा देखो जरा ध्यान से एनर्जी गैप यहां पर मैं बता देता हूं क्योंकि इस इन पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है ना ध्यान रखना क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है अब देखो एक ऑर्बिटल यहां है एक ऑर्बिटल यहां है बढ़िया बॉन्डिंग होगी और बढ़िया एंटी बॉन्डिंग होगी ठीक है वहीं पर अगर इसकी जगह दूसरा केस अगर हो जाए मान लो इसकी जगह दूसरा केस आ जाए ठीक है वहां पर क्या हो वहां पर क्या हो कि एक ऑर्बिटल यहां पर है और दूसरा ऑर्बिटल यहां पर है तो देखो जरा ध्यान से यहां पर कुछ स्टेटमेंट भी बताने जा रहा हूं मैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आए हुए हैं जून ट्वेंटी में आया था ठीक है तो इससे क्या होगा कि देखो बॉन्डिंग जो होगा वो यहां पर बनेगा इस जगह अब ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा और एंटी बॉन्डिंग उतना ज्यादा अनस्टेबल भी नहीं होगा ठीक है इस तरीके से आपका क्या होगा डायग्राम बनेगा ये बॉन्डिंग बनेगा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और ये बनेगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा अब जरा ध्यान से इसके बाद मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना अगर मान लीजिए ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है देखो यहां से यहां की काफी कम हुई है. ये यहाँ पर था इसकी एनर्जी कम होकर कहा आ यहाँ आ इसका मतलब है, अच्छी बॉन्डिंग हुई है ठीक है, है. तो है ना वहीं पर अगर बात करें दूसरी जगह यहां पर देखो ये गैप कम है इसका मतलब है, इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम हुई है कम हुई है तो मतलब मतलब ज्यादा कम नहीं हुई है हाँ ऐसे बोलेंगे है ना तो यहां पर उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई है जितनी अच्छी यहाँ पर हो सकती थी

ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर इस ऑर्बिटल का है जैसे बोलते थे ना एसपी मिक्सिंग होती थी इसका इतना इसका इतना इतना परसेंटेज कैरेक्टर परसेंटेज कैरेक्टर उसी तरीके से इस में, इस का इस ऑर्बिटल 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 में में का कैरेक्टर बॉन्डिंग ज्यादा है तो जब बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा तो वो ज्यादातर अपना हिस्सा इस न्यूक्लियस के पास रखेगा अगर मान लो दो न्यूक्लियस हैं इस तरीके से तो ये जो बॉन्डिंग होगा ये ऐसा बनेगा ऐसा ठीक है ज्यादातर हिस्सा इस न्यूक्लियस के पास होगा तो इसमें जो आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे वो भी ज्यादातर इसकी तरफ ही शिफ्टेड होंगे या ज्यादातर इसकी तरफ क्या होंगे होंगे शिफ्टेड शिफ्टेड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस न्यूक्लियस के पास ज्यादा होगी और यही तरीका है जिससे मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बॉन्ड पोलैरिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं हाइड्रो न्यूक्लियर में बॉन्ड पोलैरिटी को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसमें आपसे ऐसे पूछता है ठीक है और एंटी बॉन्डिंग जो होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होगा वो कहां पर होगा इस ऑर्बिटल इस न्यूक्लियस के पास जाता होगा ठीक है तो अगर मान लो कि इसे मान लो कि ये सिग्मा बॉन्ड है ठीक है और ये सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक कराना चाहता है किसी दूसरे वैकेंट ऑर्बिटल में तो एक तरीके से अगर मैं यहां पर ये एक्स वाई बॉन्ड बना रहा हूं तो ये समझो कि ये बॉन्ड अटैक करेगा ठीक है ना वहीं पर अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल है कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल है जो इनके सिग्मा स्टार में अटैक करना चाहता है तो वो एक तरीके से कहां पर अटैक करेगा X एटम पर अटैक करेगा क्योंकि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल इस X पर ज्यादा अवेलेबल uh, होगा ठीक है ना तो बस इतना अगर तुमने समझ लिया तो एक कदम और आगे बढ़ गए ठीक है तो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में अगर हम लोग बात करें सबसे पहले एच की तो एच कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है यहां पर क्या होता है कि टू और वन जो यहां पर है

ुलर ऑर्बिटल्स ये आपसे पूछता है डायरेक्टली क्वेश्चन में कि होमो किस टाइप का होगा जिराड होगा, जिराड होगा इस तरीके से भी पूछता है और जो सबसे लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा लूमो होगा इसी बात पर चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं ताकि अपना थोड़ा सा इंटरेक्शन हो आप लोगों के नेटवर्क मुझे थोड़े से समझ में आए सब लोग कमेंट करके बताओ मुझे कि O2 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 टू पॉजिटिव का होमो क्या होगा पॉजिटिव का होमो क्या होगा सब लोग कमेंट करके बताइए इसके बाद मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दूंगा उनको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा सब कुछ अल्मास ने बताया था एनर्जी सिमेट्री शुभम राणा ने बताया था एनर्जी और सिमेट्री और नित्या ने बताया था एनर्जी और सिमेट्री बहुत बढ़िया चाहबास और बताइए भाई और बताइए सब लोग ये आंसर करिए फटाफट सब लोग आंसर करिए फटाफट सब लोग आंसर करिए फटाफट आंसर करिए भाई सब लोग सब लोग फटाफट आंसर करिए थोड़ा वीडियो शेयर करते रहो शेयर सूर करते रहो फटाफट कमेंट करके बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ पाई टू पी

O2 में कितने 16 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं ये 16 इलेक्ट्रॉन भरे मैंने लगा दिया। इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन हटा लिए जाएंगे ओटू तो तो का, तो का तो ये होता है ये ये क्या है ये पाई है किससे बना हुआ है पाई टूपी से मिलकर बना हुआ है ठीक है वो पाई टूपी लिखा हुआ है पाई स्टार अच्छा इसमें पाई स्टार लिखा हाँ पाई स्टार टूपी

राजू ने जगदीशा ने कामू ने सब लोगों ने आंसर दिया बहुत बढ़िया इस तरीके से एंगेजमेंट करते आपको चलो अच्छी बात है होमोलूमो समझ गए तुम लोग ठीक है होमोलमो समझ गए सारी बातें ध्यान समझते रहो बस ये दस पंद्रह मिनट का और खेल है सबका क्लियर हो जाएगा तुम्हारा अब देखो इसी तरीके से सीओ की बात करते हैं तो सीओ का जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है ठीक है ना इसका जो होमो होता है वो क्या होता है सिग्मा ये होता है और ये वैसे तो क्या कहेंगे नॉन बॉन्डिंग होता है लेकिन पार्शियली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है इसमें ठीक है ना अगर आपसे कहीं स्टेटमेंट में लिखकर आता है कि इसके पास पार्शियली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होते हैं एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होते हैं तो ये स्टेटमेंट सही होगा वैसे ये नॉन बॉन्डिंग होता है मतलब ये समझ लो कि 95% 99% नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर होते हैं देखो सीधा चला गया है ना इसका मतलब इंटरेक्ट ही नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ है ठीक है

इसके बाद टू कहा गया है? ये इस तरीके से बनाओगे जब इसको तो देखो ओवरऑल जब तुम इसको फिल करना स्टार्ट करोगे देखो ये काफी इंटरेस्टिंग होता है इस पर डिस्कशन काफी आधे घंटे चल सकता है तो इसे याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ देखो यहां पर ये सिग्मा है इसके बाद ये फिर से सिग्मा है फिर यहाँ पर ये दो पाई है उसके बाद फिर ये सिग्मा है ठीक है तो यहाँ पर ये इस तरीके से फिलिंग करेंगे आप ये सिग्मा सिग्मा पाई और सिग्मा फिर पाई स्टार फिर सिग्मा ठीक है तो यहां पर नीचे सिग्मा एक को मान सकते हो एक को सिग्मा स्टार मान सकते हो ठीक है थीके? इनके रेस्पेक्ट में वो सिग्मा स्टार हो जाएगा ऐसा माना जा सकता है लेकिन नॉर्मली जो आइडियल कैरेक्टर है आइडियल जो डायग्राम है वो इस तरीके से है कि नीचे सिग्मा फिर सिग्मा सिग्मा दूसरा यहां पर इसके बाद क्योंकि इसका जो टूवेस होता है ऑक्सीजन का वो इंटरेक्ट नहीं करता है किसी से तो वो नॉन बॉन्डिंग रह जाता है इस तरीके से फिर इसका टूवेस इंटरेक्ट करता है इनके टूपी के साथ यहाँ पर सिग्मा बनता है सिग्मा स्टार बनता है फिर ये इस तरीके से आपका डायग्राम बनता है तो इसको ध्यान से अपनी कॉपी में बना लेना बाकी क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का डायग्राम समझ के रखना सीओ का और इसके हिसाब से बनाकर डायरेक्टली अगर सॉल्व कर लोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा ठीक है कि भाई जो इसका होमो है वो क्या पार्सली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होता है हाँ होता है ठीक है ना सीओ में दो सीओ माइनस कर दें तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा सीओ का बॉन्ड ऑर्डर तो कितना होगा तीन होगा सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है तीन आता है सीओ का जो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा तीन आएगा क्योंकि मैंने तुमको बताया हुआ है सब कुछ जितनी भी पॉइंट है ये डायग्राम ऐसे बनकर आ रहा है लेकिन जो अपने काम की चीज है, 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 है कि इसका डायग्राम इस तरीके से है। जैसे बी टू सी टू को होता है ऐसे, 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 यहां पर ऐसे ये सिग्मा इसके बाद यहां पर ये यह सिग्मा स्टार ऐसे यहां पर ये टूपी टूपी जो होता है ठीक है यहां पर सिग्मा स्टार ये पाई स्टार यहां पर ये पाई ये सिग्मा और नीचे इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये सिग्मा और सिग्मा स्टार यहां पर टू 2s तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करोगे यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो देखो ये सिग्मा स्टार से सिग्मा कैंसिल हो गया और यहाँ पर एक दो तीन तीन पेयर ऑफ बॉन्डिंग 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 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब बॉन्डर कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज अगर एक सीओ माइनस करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा टू पॉइंट फाइव हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए वही सब फॉर्मूले तुमको पता ही है वन बाई टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ठीक है सीओ देख लिया हम लोगों ने अब जरा ध्यान से एक बात और सुन लो जो एनो NO का डायग्राम होता है वो तो बिल्कुल ही ऐसा होता है उसमें तो और कुछ होता भी नहीं है अलग एनो NO का जो एनओ NO का जो डायग्राम होता है वो बिल्कुल इस तरीके से ही होता है इसमें जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिसिटी है ना सीओ में वो उसमें होती भी नहीं है वो बिल्कुल इस तरीके से होता है ठीक है ना यहाँ पर सिग्मा सिग्मा स्टार पाई दो उसके उसके बाद बाद सिग्मा बाद पाई फिर सिग्मा पाई स्टार स्टार फिर तो एनो का ऐसा ही होगा आ रही बात समझ में तो एनो पॉजिटिव एनो निगेटिव एनो का बॉन्डर सब कुछ इस तरीके से तुमको सॉल्व करना है सीओ का इस तरीके से और सीओ एनओ भी लगभग सेम ही रहे आपके लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा ठीक है चलिए सीओ एनओ हो गया इसके बाद अब आते हैं ट्राई एटोमिक में तो ट्राई एटोमिक में देखो अब जितने डायग्राम मैं बताने जा रहा हूं इतने डायग्राम सिर्फ तुमको देख लेने ठीक है ना ये सिर्फ तुम्हारा ये समझो कि जो तुम इतने स्पेशल हो जो तो ना? इसको देखने देख रहे हो वरना और कोई इसको देख के भी नहीं जाएगा ये डायरेक्टली पूरा डायग्राम बना हुआ आएगा तुमको बताना होगा सही है कि गलत ठीक है ना इतना बताना होगा या फिर ऐसे भी पूछ सकता है भाई कि जो आपका होमो है एच का जो एच का होमो है वो क्या है नॉन बॉन्डिंग है देखो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है ये जो डायग्राम होते हैं ना अब हम लोग आ गए पॉलीएटॉमिक में

ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करने ठीक है और इस तरीके से कुछ इंटरेक्शन होता है यहां पर यह टूएस ऑर्बिटल यहाँ पर ये सिग्मा ये सिग्मा स्टार यहाँ पर ये फिर से सिग्मा ये नॉन बॉन्डिंग ये इस तरीके से कुल मिलाकर ये ऑर्बिटल डायग्राम आपका बनकर आता है यहाँ पर जो ये लाइंस है ना ये बता रही हैं कि भाई ये सबसे इंटरेक्ट कर रहा है ये टू ऑर्बिटल देखो ये टू ऑर्बिटल इसके टू इन दोनों लीगेंड ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ठीक है और बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इस तरीके से बन रहा है यहां से हमें एक्चुअल पॉइंट क्या लेकर चलना है इसका होमो कौन सा है इसका लूमो कौन सा है ठीक है तो सिग्मा स्टार लूमो है और सिग्मा नॉन बॉन्डिंग या फिर नॉन बॉन्डिंग होमो है ठीक है इतनी बात क्लियरली आपको पता होनी चाहिए बस इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बी एच थ्री की तो बी एच थ्री में भी इस तरीके से एल जीओ बनते हैं तीन एल जीओ बनते हैं हम लोग को पूरा याद नहीं करना है हम लोग को बस ध्यान रखना है होमो कौन सा है लूमो कौन सा है तो जो इसका होमो होता है वो क्या होता है डैश होता है और जो इसका लूमो होता है वो क्या होता है नॉन बॉन्डिंग होता है ठीक है ना और ये क्या होता है बॉन्डिंग होता है तो ये जो पॉइंट्स हैं बस ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा मैं तुम ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहां से ज्वाइन कर लेना और इनको देख लेना बस एग्जाम से पहले एक बार ठीक है नजरों के सामने रखना बस इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एन एस थ्री अमोनिया का एमोडाइग्राम देख लीजिए ध्यान से होमो कैसा है बॉन्डिंग है और लूमो कैसा है एंटी बॉन्डिंग है होमो कौन सा ए वन है तुमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ए, होमो की सिमिट्री क्या है तो एवन होती है ये सिमेट्री का टाइप है ग्रुप थ्योरी में बताया जाता है रिड्यूसिबल इन रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से और ये क्या है ई e स्टार इसका क्या है लूमो है एनएस का डायग्राम इस तरीके से होता है ठीक है इसके बाद बात करते हैं सी एच फोर का सी एच फोर का इस तरीके से डायग्राम होता है चार ऑर्बिटल होते हैं चार हाइड्रोजन ऑर्बिटल एक दूसरे एक दूसरे के साथ मिलकर आते हैं दो सिमिट्री के साथ एक सिमिट्री होती है एवन और एक सिमिट्री होती है टी टू ठीक है ना ये कोऑर्डिनेशन में तुम्हें समझाया गया होगा तो यहां पर इस तरीके से रिएक्शन होता है

लेकिन उसके पास पार्सली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है इसकी वजह से सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा सीओ का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाता है सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सीओ इसी बात से हमें यह बात पता चलती है कि जो वो नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स थे ना उसमें पार्सली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है ये इसी बात से पता चलता है ठीक है अभी क्वेश्चन कराएंगे तुम ये सारे पॉइंट देखते चलो बस एक और बचाएफ सिक्स ऑक्टा हेड्रल ऑक्टाहेड्रल हेड्रल आपका क्या है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर uh, में मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होता है ये कुछ इस तरीके से होता है होमो कौन सा होता है इजी होता है और लूमो कौन सा होता है t1u स्टार होता है छह ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तीन सिमेट्री वाले ग्रुप बनाते हैं a1g t2g और t1u eg और ये रिएक्ट करते हैं आपके इनके SK, s के s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के साथ ठीक है ना तो इस तरीके से रिएक्शन होती है जो आपका होमो होता है वो नॉन बॉन्डिंग होता है लूमो होता है आपका ये t1u स्टार होता है इसी के साथ-साथ ये यही क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2014 दिसंबर 2000 14 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ इनमें से कौन सा डायग्राम सही है मैं मैं तुमको तुमको डायरेक्टली डायरेक्टली पर पर दिखा दिखा देता देता क्या करता हूं? हूं। ये दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है तो अभी आपने देख लिया कौन सा है आप खुद बता दो यहां पर मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ये ए वाला सही है ए वाला सही है ठीक है वही डायग्राम डायरेक्टली पूछा हुआ है कुल मिला के यही डायग्राम बना हुआ है ए ऑप्शन में देख नहीं रहा होगा तो मैं तुमको यहां पर ही दिखा दे रहा हूं यही डायग्राम बना हुआ है हमारे पास यही वाला डायग्राम बना हुआ है ये वाला ठीक है अब इसके बाद देखो हो सकता है तुमसे जो वैसे कोऑर्डिनेशन में तुमको ये पढ़ाया गया होगा कि ऑक्टाहेड्रल में सिग्मा डोनेटिंग लीगैंड और पाई एक्सेप्टर लीगेंट जब प्रेजेंट होते हैं तो पाई एक्सेप्टर लीगेंट में आपका जो एमओ डायग्राम होता है वो इस तरीके से बनता है यहां पर इस तरीके से एमओ डायग्राम है किसका ये पाई पाई एक्सेप्टर एक्सेप्टर का का क्या है एमओ डायग्राम है ये तो पूछ सकता है कि भाई ऑक्टाहेड्रल में मेटल मेटल कॉम्प्लेक्स का ऑक्टाहेड्रल डायग्राम है और एमओ डायग्राम में कौन सा एमओ डायग्राम सही है तो ये बात आपको यहां से क्लियरली ध्यान में रखनी है और कोई बात नहीं है

द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ओ एच इज ओ एच रेडिकल इज आर द बॉन्ड इज अलोंग द एक्सिस 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 अलोंग अलोंग एक्स 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 है 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 था आई ठीक ठीक ना ना इसमें थिंक थी, एक्सिस लिखा हुआ था ठीक है अलोंग एक्स एक्सिस तो ये ओ एच रेडिकल के बारे में पूछ रहा है तो ओ एच रेडिकल के बारे में जैसे एच एफ का डायग्राम बनाया था ना उसी तरीके से ओ OH एच का डायग्राम बनेगा जैसे एच एफ का बनाया था वैसे ही ओ, का बना था वैसे ही आपका ओ OH एच का बनेगा वन एस आपका यहां आ गया यहां पर ये टू पी आ गया ठीक है ना और ये टू एस आ गया ठीक है ये ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन है और ओ एच रेडिकल ओ एच रेडिकल देखो ओ एच रेडिकल हो गया कि बस और ओ एच रेडिकल कैसा होगा देखो ऑक्सीजन के पास ये ऐसे ऐसे ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है तो एक वैलेंसी के साथ वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन उसका क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये नॉर्मल इस तरीके से कि मतलब इसके छ इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन ये सात इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्ट करके आपको सात इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे ठीक है तो यहां पर इस तरीके से आपका मतलब हो गया कि टू पी एक्स ऑर्बिटल रिएक्ट करेगा हेड ऑन ओवरलैप करेगा इसके वन एस के साथ इसका टू पी एक्स ऑर्बिटल इंटर करेगा तो जो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना ये सिग्मा बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड किस किसके हेल्प से बन रहा है s एंड 2p x की हेल्प से बन रहा है तो जो बाकी दो ऑर्बिटल बच जा रहे हैं वो कौन से हैं 2p y और 2p z ठीक है 2py और 2pz और इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है आपको यहां पर यहां पर ये यह s ऑर्बिटल आ गया यहां पर नीचे 1s हो गया यहां पर इसका नीचे 1s भी होगा ठीक है ना ये 1s भी पड़ा हुआ सात इलेक्ट्रॉन भरने 1 2 3 4 5 6 7

आने चाहिए वो तो आपको जब समझ होगी तभी आप समझ पाओगे उसके बाद सीओ है एनओ NO है सी है ये तीन है इन तीन के बाद बाकी बच्चे हुए को मर्जी हो तो देख लेना वरना ना देखना हो। होमो हेट्रो और हेट्रो में भी सी एन और आपका ओ OH, एच ये तीन ही है और एच भी देख लो सिंपल ही है अगर ध्यान से देख के समझने की कोशिश करोगे तो याद हो जाते हैं ठीक है ना याद भी नहीं करना है अगर आप थोड़ा पढ़ लिए होते इस चैप्टर को वरना तो पढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा ठीक है बाकी जिन लोगों ने पढ़ रखे होंगे वो लोग बताओ भाई क्या याद करना इतना मुश्किल है बाकी सब लोग बताओ क्या याद करना इतना मुश्किल है हाँ होमो जो है वो कह रहा है कि देखो क्या क्या स्टेटमेंट कह रहा है नॉन बॉन्डेड एमओ दैट इज प्रिडोमिनेटली फॉर्मड विथ टू पी जेड एंड टू पी वाई एटोमिक ऑर्बिटल्स बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है ये कह रहा है कि द हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज अ नॉन बॉन्डेड मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड इट इज प्रीडोमेंटली फॉर्म विद टू पी जेड एंड टू पी एटम बताओ भाई क्या यह बात ऐसा ही है क्या कि इसका जो हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल है यह हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये मेनली बनाया गया है टू पी वाई और टू पी जेड ऑर्बिटल से बनाया गया है ऑक्सीजन एटम के ऑक्सीजन एटम के क्या यह सत्य बात है क्या यह सत्य बात है कमेंट करके बताइए क्या सत्य बात है है हाँ, बाकी सही है. पूजा भी बोल रही है. करके देखते रहा करना बस याद और कुछ ना करना हर दो तीन दिन में देखते रहना ठीक है ना बताइए बताइए सही है कि नहीं कमेंट करके बताइए ठीक है ए ऑप्शन सही है कि नहीं अब इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है देखो सही है बिल्कुल सही बात बोली गई है हैं? हैं, बी, बी की बात बात करते हैं। होमो सिग्मा बॉन्ड प्रिडॉम्न, नहीं भाई गलत बात है, ऊपर वाली सही हो गई तो ये गलत बात है होमो तो नॉन बॉन्डिंग है ठीक है ना सिग्मा बॉन्डिंग एमओ इज फॉर्म्ड बाई ऑफ एंड टू से नहीं बनाया उसने एक्स एक्सिस के लिए बोल दिया है सिग्मा एमओ के बारे में

अब इसके बाद ये तुम्हारा आई थिंक ये काफी पुराना क्वेश्चन का है है ठीक पंद्रह सिंपल सिंपल फिर से तो वो भाई एक बार स्टेटमेंट बना दिया उसने ओ एच रेडिकल बोल दिया ओ एच माइनस की जगह ठीक है ना इतना ही कर पाया वो स्टेटमेंट लिख के दे दिया उसने अब बाकी फिर से वो आ गया अपने वापस आ गया है ना एमओ एन टू एन टू तो एन टू का डायग्राम कैसे होता है देखो ऐसे तीन पी ऑर्बिटल तीन पी ऑर्बिटल देखो जिसको याद नहीं होते बता रहा हूं P orbital. पर ऐसे दो पाई ऑर्बिटल उसके बाद ये सिग्मा ऑर्बिटल इसके बाद ये पाई स्टार ऑर्बिटल और ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ठीक है ना यहाँ पर आपके पास टू एस में इस तरीके से टू एस का ये 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 ठीक है तो ये टू एस हो गया ये टू एस हो गया ये टू पी हो गया टू पी हो गया ठीक है और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर नीचे वनेस, वनेस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन में. में एक, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो एन टू इस तरीके से हो गया ठीक है ट्रिपल बॉन्ड होगा एन टू में बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका हाँ तो ये वाला जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा देखो इन जनरली जेड एक्सिस इज न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस इज न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग इंटरेक्शन होते हैं तो यहां पर जो बनाएंगे ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा जेड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से तो ये वाला जो सिग्मा है ये सिग्मा 2p z है ठीक है या 2p z बोलने लगे आजकल और ये जो है ये है पाई 2px एंड पाई 2py इसी तरीके से इनमें स्टार लगा देना तो ऊपर बन जाएंगे तो आपका क्या कह रहा है होमो होमो क्या है सिग्मा टू पी जेड है एन टू में होमो कौन सा है सिग्मा टू पी जेड कहा है भाई सिग्मा टू पी जेड ऑप्शन में है कि नहीं है सिग्मा टू पी जेड अगर सिग्मा टू पी जेड नहीं है इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस को तो मान के चल रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया ये एक्स एक्सिस को तो मान के चल रहे हैं डिफॉल्ट केस में जेड एक्सिस होता है लेकिन इन्होंने एक्स नहीं दिया हुआ है इसका मतलब हो गया कि आप ये एक्स एक्सिस के मान रहे हैं

O2 पर पॉजिटिव चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने O2 पर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे होते हैं एक ये 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 और ये इस तरीके से O2 पॉजिटिव का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दिया गया तो ये पाई स्टार ऑर्बिटल है इसका होमो, तो पाई स्टार क्या होगा पाई स्टार होगा आपका 2p x तो ये यहां पर ये बना है सिग्मा 2px से सॉरी ये बना है आपका सिग्मा 2px से और ये बना है टू पी वाई और पाई टू पी जेड से तो यहां पर पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड में से किसी दोनों में से एक दोनों जगह पर हो सकता है वो अदलता बदलता रहता है जगह अपनी ठीक है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझ में आएगी बात अगर आपने इसका जो होमो बनाया है वो क्या बनाया है सिग्मा टू पी एक्स सिग्मा टू पी एक्स ले लिया तो पाई स्टार टू पी वाई ये ऑप्शन सही हो सकता है ये ऑप्शन सही हो सकता है दूसरा देखते हैं सिग्मा स्टार तो होगा नहीं सिग्मा ही होगा तो बस एक ही ऑप्शन बचा सिग्मा ही है इसका होमो एन टू का होमो सिग्मा है और इसका पाई स्टार पाई स्टार टू पी वाई है तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो देखो इस तरीके से थोड़ा बहुत और घुमा सकता है तुमको थोड़ा बहुत तुमको और घुमा सकता है कि किस अलोंग किसके अलोंग घूम रहा है क्या कैसे तो थोड़ा बहुत तुमको क्वेश्चन में घुमाया जा सकता है आ रही बात समझ में क्वेश्चन करोगे तो सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं

ठीक है ऐसे भरे होते हैं ऐसे ऐसे आ रही बात समझ में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं ये हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर का कितना निकला देखो का दो निकला का निकला ओटू के बाद ओ टू प्लस का करोगे तो ओ टू प्लस में कितना हो जाएगा भाई यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे तो छ माइनस एक पांच बटे दो तो टू पॉइंट फाइव हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा इसके बाद ओ टू माइनस करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे तो ऊपर तीन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में तो छह माइनस तीन बटे दो तो वन पॉइंट फाइव हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर और ओटू में अगर आप टू माइनस लगा दोगे तो टू माइनस में ऊपर चार इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो छह माइनस चार बटे दो तो दो बॉन्ड ऑर्डर एक हो जाएगा तो सबसे ज्यादा बॉउंडर ओ टू प्लस का होगा देन आपका ओ टू का होगा देन ओ टू माइनस का होगा और ओटू टू माइनस का होगा तो ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर होगा जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा आप देखो उसने बॉन्ड ऑर्डर सीधा नहीं पूछा है तुमसे

आगे देख लेते हैं दिसंबर 2018 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था देखो जब पूछता है तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है इसलिए इस चैप्टर को पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है ये है ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन होते होते हैं हैं आसान ठीक ना तो लूमो पूछ रहा है Cn का और ओ टू का तो सीएन का मैंने बताया है तुमको सीएन का बिल्कुल जैसे आप बी टू सी टू का बनाते हो ऐसे ऐसे पहले आएगा पाई फिर आएगा सिग्मा ठीक है पहले आएगा पाई फिर आएगा सिग्मा फिर आएगा आपका पाई स्टार और फिर आएगा आपका सिग्मा स्टार ये का हो गया ठीक है और इसके बाद नीचे वहाँ पर तुम जो दो दो बना कर रखते हो में, कार्बन के पास छह इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास सात इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज का तो सात सात चौदह इलेक्ट्रॉन हो गए तो दो दो चार यहाँ पर नीचे आठ इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे ऊपर छह इलेक्ट्रॉन भरने एक दो तीन चार पांच ठीक है ना सही बनाया सीएन माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा हाँ तुमसे तो तो लूमो पूछ रहा है तो ये पाई स्टार लूमो होगा पाई स्टार पाई पाई स्टार स्टार विल बी द तो यहां पर पाई यू अच्छा लिखा इन्होंने लगा ही नहीं रहा ये पाई यू हो गया आपका इनका ठीक है ना क्योंकि यू लग गया तो उससे पता चल जाता है कि स्टार है कि नहीं है यू तो किस में होता है जी में होता है तो आपको पता ही है तो स्टार नहीं लिख रहे पाई यू हो गया और ओटू का ओटू में क्या होगा ओटू में यहीं पर यहां पर होता है आपके इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं ये बदल जाता है ये बदल जाता है अभी देखो ये दिखाया है ना ओटू का कैसा बनाया था हम लोगों ने O2 का ये देखो सिग्मा यू होगा ठीक है सिग्मा, तो सिग्मा यू तो पाई यू और सिग्मा यू ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा पाई यू सिग्मा यू बताओ होगा ना इसका बी होगा कि नहीं होगा बी होगा कि नहीं होगा बताओ बी होगा कि नहीं होगा अभी तक जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सारी बातें क्लियर है अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा सारी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है कमेंट करके बताओ सब लोग दीपक पूजा अजीज बताओ भाई शुभम राणा सब लोग बताओ भाई होगा कि नहीं होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं जून 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनो रिजल्ट्स इन देखो बाकी सारी बातें तो ठीक है हम लोग अपने अपने पॉइंट की बातें देख लेते हैं ठीक है ना एनो uh, NO. तो एनओ NO में कैसा होगा एनओ NO भी आपका सीओ की तरीके ही होगा कार्बन की जगह नाइट्रो आ, नाइट्रोजन आ गया है बस तो जैसा यहां पर ये ऐसे 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 दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नीचे होंगे और ये सिग्मा होगा इसके बाद यहां पर इस तरीके से ऐसे ऐसे और ऐसे करके ऐसे ठीक है ये एनओ NO का खेल होगा तो एनओ NO, कार्बन की जगह सीओ में अच्छा चलो भर लेते हैं ऐसे यहां पर यहां पर ऐसे ऐसे तो ये सिग्मा सिग्मा स्टार ये वन एस के हैं ठीक है और ये टू एस के हैं सिग्मा सिग्मा स्टार ये 2S के हैं और ये टू पी का हो गया कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं एनओ में सात और आठ सात पंद्रह तो आठ इलेक्ट्रॉन यहां भर गए और यहां पे सात इलेक्ट्रॉन भरेंगे एक दो तीन चार पांच छह और सात इस तरीके से पाई स्टार में इसका होमो होगा इलेक्ट्रॉन होगा हाइएस्ट

ऑक्सीजन के पास आ जाएगा बींग क्लोजर टू नाइट्रोजन के पास नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन को जब तुम रिमूव करोगे तो वो मैं बात सही से पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं कि जो सी ऑप्शन सही है इलेक्ट्रॉन इन होमो एस होमोस क्यों लिखा हुआ है होमोस बीइंग क्लोजर टू ऑक्सीजन देन टू नाइट्रोजन टू पी ऑर्बिटल हाँ सही बात है क्योंकि पहले होमो किसके पास था नाइट्रोजन के पास था लेकिन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो होमो कहां आ गया ऑक्सीजन के पास आ गया क्योंकि अब होमो ये बन गया तो इस होमो की एनर्जी इस ऑर्बिटल के ज्यादा पास है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है और इसकी भी एनर्जी कम है ये ऊपर है आ रही बात क्लियरली समझ में नहीं आ रही है तो ए एंड सी ऑप्शन सही है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है ना बी भी हो सकता है ईपीआर एक्टिव है कि नहीं अगर है तो भाई ठीक है ईपीआर का तो भी मुझे नहीं आइडिया है ठीक है डी ऑप्शन सही है चलिए आप लोग बोल रहे हैं तो डी ऑप्शन सही होगा ईपीआर एक्टिव होता है, है? एक्टिव होता होगा चलिए भाई है आपका, December 2016 में। देखो, उसने को देखना जरूरी था जितने भी आप चालीस लोगों ने ये वीडियो देखी है आपके बढ़िया ये पांच छह नंबर आएंगे बाकी सब लोगों से ये रिएक्शन हो रही है कह रहा है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज ये रिएक्शन हो रही है

का कार्बन 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 का पाई बॉन्ड अटैक करेगा सिग्मा स्टार ऑफ बी आर बी आर देखो ए ऑप्शन सही हो गया बहुत ज्यादा तुमसे पूछ लेगा बस इतना ही था ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।, आपके जाते हैं अगर आपने ये पूरी क्लास देख ली है तो बहुत अच्छी बात है इस क्लास की पीडीएफ में दे दूंगा तो सारे एमओ डायग्राम कुछ कुछ दिनों में देखते रहना सारी चीजें तुम लोग कुछ कुछ दिनों में देखते रहना सारी बातें तुमको क्लियरली समझ में आ जाएंगी ठीक है सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे तो अब मिलते हैं हम लोग कल कल मिलेंगे एट पीएम पे 8 पीएम पे कल मिलेंगे और कल हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक्स क्या करेंगे सॉल्व करेंगे पार्ट वन ओ एम सी का पार्ट वन सॉल्व करेंगे OMC का मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले वाला पार्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे फिर परसों तो अपना भाई वर्ल्ड कप फाइनल है सब लोग देखा जाएगा संडे का दिन है छुट्टी रहेगी और मंडे से फिर हम लोग आपस में जुड़ेंगे ओके ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग द क्लास कल रात को 8 बजे मिलते हैं गुड नाइट एवरीवन अभी स्टार्ट करने से कितना कंप्लीट कर सकते हैं रॉबर्टो इस टॉपिक पर वीडियो आने वाली जल्दी ये बिल्कुल सही टाइम है अभी तैयारी अगर तुम स्टार्ट कर दोगे तो थोड़ा लेट हो गए हो लेकिन एनआईटी तक मिल सकती है और अगर आपने इससे पहले जेई की तैयारी कर रखी होगी रॉबर्टो तो अभी जैम के फॉर्म आए हैं कि नहीं आए हैं अभी नहीं आए हैं अभी जैम के फॉर्म आ गए रॉबर्टो हाँ कल भी होगी डेली आठ बजे क्लास होगी डेली ठीक है ना अभी तीन चार दिन मैं लूंगा उसके बाद फिर से पवन सर तेज सर वापस आ जाएंगे फिर से तेजसर वापस आ जाएंगे कल होगी ऑर्गेनो की ठीक है थैंक यू प्रतीक्षा प्रत्याशा निथ्या निशा पूजा जाकििया राजू थैंक यू सो मच गाइस। रिएक्शन मैकेनिज्म का तो हो गया है तेज सर ने ले लिया ना रिएक्शन मैकेनिज्म का अगर रह गया हो तो बताना फिर से क्लास करा देंगे ठीक है थैंक यू एवरीवन बाय गुड नाइट तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन ट्राई करो काफी हो जाएगा जैम का भी से स्टार्ट करोगे तो